हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। फाइनली देखिए, आप लोगों का यूपी पीसीएसजे का एडमिट कार्ड आ गया है, जिसे आप आयोग की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग का जो साइट का नाम होगा, आप इस पर जाकर एडमिट कार्ड को अपने डाउनलोड करेंगे। क्या नाम है? upsc.up.nic.in पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका चाहिए। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, एक वो चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो इन दोनों रहेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जब आप कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपका सेंटर कहाँ भेजा गया है। जो सेंटर है वो 5 जगह पर भेजा गया है। कहाँ कहाँ है? प्रयागराज है, गोरखपुर है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ है। तो इन 5 जगहों पर आयोग के द्वारा सेंटर को भेजा गया है। अब आप देखिएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। जहाँ भी गया होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। और इसके साथ साथ आप समझिए, एग्जाम कब है आपका? 12 फरवरी को संडे के दिन आपका एग्जाम रखा गया है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। कब कब? 9:30 से 11:30 बजे फर्स्ट पेपर होगा, जो कि आपका कौन सा होता है? जीएस का। सेकंड पेपर होगा आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है। ये लॉ का पेपर होगा। तो ये 2 पेपर आपको संडे के दिन 12 फरवरी को रखा गया है। इसके विषय में आपको जानकारी है ही। तो यही मुझे बताना था। ये एडमिट कार्ड आ चुका है। अब बहुत ज़्यादा अब आप लोग पैनिक मत होइएगा। जो फालतू की चीज़ें हैं, अब देखिए वक्त जो है अब नया चीज़ें पढ़ने का नहीं रह गया। जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को आप खाली रिवीजन करिए। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार रिवीजन करिए, ठीक है। नए चीज़ों को हटा दीजिए। जो अब आपने नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िएगा, अब हाथ मत लगाइए। बस जो पढ़ चुके हैं उन्हीं को बार बार रिवीजन करिए, बस। इसके अलावा और कुछ मत करिए। करंट अफेयर की बात है जो जीएस पार्ट में है, अधिकतर लोग पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर कहाँ तक पढ़ें। तो करंट अफेयर आप, अगर आपका एग्ज़ाम देखिए 12 फरवरी को है, तो करंट अफेयर आप 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का पढ़ लीजिए। 15 से 20 जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़िए। और इससे पीछे 6 महीने का जो है करंट अफेयर वो एकदम तैयार कीजिए, एकदम स्ट्रांग रहे आपका। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए करंट अफेयर में, आप बताने की सिचुएशन में रहें। वैसे आप 1 साल तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन 6 महीने तक का एकदम आपको तैयार होना चाहिए। और उसके पीछे जो 6 महीना है, एक बार जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ज़रूर आप देख के जाइएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में नए केस लॉ जो होंगे उनको आप देख लीजिएगा। लॉ में जो है आप सिर्फ, मैंने आपसे कहा था कि जो प्रीलिम्स का है, क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू है, उसको आप सॉल्व करते रहिए, जिन्होंने सॉल्व किया होगा। और लास्ट में मैंने कहा था कि जो अब दोबारा आप जब रिवीजन करते हैं एमसीक्यू को, तो वहाँ आप टिक करते हैं रेड पेन से कि जब हमें एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है। तो अब टाइम आ चुका है कि आपको सिर्फ अब वही पढ़ना है, ठीक है। सब नहीं पढ़ना है अब जो एमसीक्यू आप लगाए हैं, जो लॉ की बात कर रहा हूँ उसमें, अब जो टिक आपने किया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने लगाया होगा, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी कि ये कन्फ्यूज हो रहा है, हमें दिक्कत हो रही है, तो उसको आप पढ़ते हुए निकल जाइए। दूसरी बात, माइनर एक्ट की मैंने बात किया कि माइनर एक्ट में चुपचाप आप एक बार रिवीजन कर चुके होंगे, एक बार पढ़ चुके होंगे, तो अब बेस बनाइए कि जो इंडेक्स है आपका माइनर एक्ट का, उसको तैयार कर लीजिए। इंडेक्स में ही सिर्फ आप सेक्शन पढ़ लीजिए, जो भी जो इम्पोर्टेंट है उनको मत भूलिएगा। जो दंड होगा दंड मत भूलिएगा कि कौन कितना दंड दिया जा रहा है, और कोई न्यायालय होगा जो न्यायालय दंड दे रहा होगा, उस न्यायालय का नाम याद रहे, किस सेक्शन में है ये याद रहे, किस चैप्टर में है ये याद रहे, ठीक है। इतनी चीजें आप पढ़ के जाइएगा। और इसके साथ साथ लॉ में जो है, लॉ आपका मान के मैं चल रहा हूं कि तैयार ही होगा। ज़्यादा फोकस आपको जो माइनर एक्ट है उस पर करना है, वो अच्छे से कर ले जाइए। जीएस बहुत ज़्यादा मत भागिएगा, उसमें करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा आपका करंट अफेयर में शामिल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये इतनी चीज़ों को बताना था मुझे, और आगे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और चीज़ों को आपको बताता रहूँगा। कोशिश में मेरी ये भी रहेगी कि जो माइनर एक्ट है उसको रैपिड रिवीजन का एक क्लास में चलाऊँ, जो सभी लोगों के लिए रहे, निःशुल्क रूप में रहे, यूट्यूब पर वो अपलोड करूँ, और मुश्किल से एक एक्ट के लिए समय ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूंगा 10 मिनट, 10 से 15 मिनट में एक एक्ट खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ये क्लास रिवीजन के लिए रहेगी। मैं मान के चलता हूं कि आप पढ़ चुके होंगे, अब मैंने पढ़ा भी रखा है, माइनर एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम, तो इस तरह से 10 से 15 मिनट में कोशिश मैं करूंगा कि एक आपका माइनर एक्ट खत्म हो जाए 10 से 15 मिनट में, ठीक है। ये मेरी कोशिश रहेगी और मैं अभी से ही इस काम पे लग जाऊंगा कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊं कि वो माइनर एक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, तैयार हो जाए। तो समय आपका ये पैनिक होने का नहीं है, बल्कि रिवीजन करने का है। जितना टाइम आप पैनिक होंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, उतना टाइम फालतू में जाएगा, उससे बढ़िया आप कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, मन को शांत करके रखते रहिए और कायदे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए आपको पहले से ऑल द बेस्ट। तो बस ये न्यूज़ थी जिसे मुझे बताना था, ठीक है। तो फिर नए वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।